हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी की सब्जी विद द ट्विस्ट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने अरबी को जो है वो बॉयल करने के लिए मैंने अपना जो मेरा प्रेशर कुकर है पिजन वाला वही लिया है, और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और अब मैं इसकी लिड लगा दूँगी। इसको आपको बहुत कम प्रेशर देना है, मतलब 5 मिनट से भी कम। जब आपको लगे कि स्टीम सी बन गई है हमारे प्रेशर कुकर में, उसी स्टेज पे आपको उसको बंद कर देना है। मतलब बहुत कम प्रेशर चाहिए इसको, 5 मिनट से भी कम। उसके बाद जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं, उसके बाद आपको इन्हें पील करना है। तो मैं इन्हें यहाँ पील कर रही हूँ, जिस तरीके से आप आलू को बॉयल करके पील करते हैं सेम वही प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आप इसको पील कर लीजिएगा सबको, और उसके बाद हमें इसे छोटे छोटे पीसेज में जो है वो कट करना है। मतलब कितने पीसेज में कट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत छोटे करने हैं, थोड़े बड़े रखने हैं, टोटली डिपेंड अपॉन यू। इसको ड्राई बनाना है या लिक्विड बनाना है, तो मैं विद ग्रेवी बना। तो यहाँ पर मैंने देखो, ये मैंने यहाँ पर ली है लस्सी जो होती है वो मैंने ली है। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो है अपना जो कर्ड होता है उसे भी बीट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पाइसेस भी मैंने सारे स्पाइसेस लिए हैं जो नॉर्मल होते हैं, जब मैंने डालूंगी तो बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, एक आपकी सूखी लाल मिर्च और जिंजर का पेस्ट है, और साथ में आपका गार्लिक है, लहसुन है। तो बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं डालना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। आप तो यहाँ पे मैंने देखिए बॉयल भी इसी में किया था, और मैं अब जो तड़का है वो भी इसी में लगा रही हूँ। मतलब गुड, बहुत अच्छा है जो प्रेशर कुकर है, काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है, और साथ में मैंने जो सूखी लाल मिर्च थी उसे मैंने स्लिट करके डाल दिया है। तो जब ये थोड़ी सी आपकी पक जाए, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे लहसुन। मैंने पहले भी कहा था कि मैं सबसे पहले गार्लिक ही ऐड करती हूँ, मुझे गार्लिक थोड़ा ज़्यादा पका हुआ अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक डाल दिया है सबसे पहले, थोड़ी देर में इसे भून लूँगी, और उसके बाद हम इसमें जो है वो अपने प्याज ऐड कर लेंगे, कटी हुई प्याज। तो मीन वाइल रेसिपी अच्छी लग रही है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, और साथ में मैंने जीरा डाल दिया है। अगर मैं जीरा को पहले डालूंगी तो जितनी देरी में लहसुन भूनता है तो वो जीरा ज़्यादा कुक हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है आपका कटी हुई प्याज। अब हमें इसे अच्छे से सॉटे कर लेना है थोड़ी देरी के लिए। तो यहाँ पे जो है मेरे प्याज देखिए आप हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने इसमें डाल दिया है अपना जो है मेरा जिंजर का पेस्ट। इसमें सिर्फ जिंजर ही है और कुछ भी नहीं है, जिंजर का पेस्ट था। चलिए अब हम अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेथी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है अपना, ये मेरा किचन किंग मसाला था, और ये कश्मीरी मिर्च है, और ये मेरा है यहाँ पर टर्मरिक। जिसमें मेथी पाउडर और धनिया पाउडर है, ये मैं घर पे ही बनाती हूँ, मार्केट का नहीं लेके आती हूँ। कभी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इनको बस आपको कपल ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे सॉटे कर लेना है, आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है, दरवाज़ मसालों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे जो आपने जो अरबी की सब्ज़ी काट के रखी थी वो आपको इसमें ऐड कर लेनी है, और आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई प्याज की आपको ज़रूरत नहीं होती, किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसका अपना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप इसमें लस्सी के बदले अगर आप कर्ड ऐड कर रहे हैं, तो आप उसको एक बार हैंड बीटर से या एक बार मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, ताकि वो बिल्कुल लिक्विड सी कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो इसमें सिर्फ लस्सी के साथ थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया है, पूरी लस्सी ही नहीं है। तो हाफ मैंने पानी था, हाफ मेरा लस्सी थी। अब इस स्टेज पे आप क्वांटिटी देख लीजिए, आपको कितनी ग्रेवी रखनी है, आपको ड्राई खानी है या बहुत काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी है, आप राइस के साथ लेने वाले हैं, चपाती के साथ लेने वाले, इट्स अप टू यू कि कितनी ग्रेवी आपको चाहिए। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे ग्रेवी देख ली है। तो अब आप देखिए इसमें हल बॉयल आ रहा है, इस स्टेज पर आपको इसमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट बाद में ऐड कीजिएगा, पहले मत ऐड कीजिएगा। तो इस स्टेज पर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब जो आपको है इस ग्रेवी को थोड़ी देरी के लिए बॉयल करना है, सो दैट आपका सॉल्ट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं, देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है, और कहीं से कहीं तक कोई आप जो लस्सी है वो फटी नहीं है। तो इस उससे बनाएंगे तो ठीक बनेंगे। तो ये देखिए, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।